हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय सोनू, हाय आशुतोष, हाय वेद मारवा, हाय जीवन वेस्ट, हाय टू एवरीवन। गाइस कहाँ हैं सभी लोग? फटाफट आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, फटाफट गेट कनेक्टेड। हेलो ब्रिज, हाय कायनात, हाय नैनी, हाय मासूम राजा, राज वर्मा, वेद मारवा, आशुतोष गोयल, सोनू तिवारी, जीवन विस, ऐश्वर्या विस्ट, आदित्य प्रताप सिंह, तरुण, दिखिता, हाय एवरीवन। हाय, फटाफट आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। फटाफट कनेक्ट हो जाइए एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, राइट। तो चलिए, लोग आते रहेंगे, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, होगा आ जाएंगे सर। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो देखते हैं कि हम लोग इस क्लास में जो हम लोग को बात करनी होती है, फोकस के क्लास में, आप जानते हैं कि फोकस काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग को बात करना होता है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज के ऊपर। दूसरा, हम लोग बात करते हैं राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, एंड देन हम देख रहे हैं हमारे पास दूरदर्शन भी होता है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी होती है। ठीक है, सो इतनी सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं। फोकस 10 सुबह 10 बजे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। और ये हमारा मिशन आईएएस का प्रोग्राम है, जहाँ आप देख रहे हैं मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आता है ये। और इसमें अपनी पॉलिटी की क्लास हर दिन 4 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे 4 बजे पॉलिटी की क्लास, एक्सक्लूसिवली पॉलिटी की क्लास जो होती है, दैट इज कॉल्ड एट 4 PM। ठीक है ना, 4 PM पे अपनी पॉलिटी की क्लास हो रही होती है मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस पे। फिर एच में 2.0 भी चल रहा है हमारा, ये चलता है थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, जैसे आज एज फ्राइडे है, आज एज 2.0 चलेगा पॉलिटी में, तो ये भी शाम के 4 बजे चलता रहता है। ठीक है ना, शाम के 4 बजे तक चलता रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हम लोग अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। दिस इज माई इंट्रोडक्शन, 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स, गुड एग्जाम प्लानर एंड स्ट्रेटेजिस्ट, एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट एंड मेंटर्ड 50,000+ स्टूडेंट्स। सो ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ये लिंक, ये नेम है पवन सर UPSC एजुकेटर। अगर आप ढूंढेंगे तो मैं आपको यहाँ मिल जाऊँगा। दिस आर लॉट्स ऑफ थिंग जो यहाँ पर होती रहती हैं, क्वेश्चंस, आंसर, करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग। यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, पवन सर UPSC एजुकेटर। ठीक है ना, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम भी मेरे पास है, लिंक है APKumar1980। पी कुमार का पवन कुमार होता है, PavanKumar1980। ठीक है ना, पवन सर पवन कुमार, ठीक है, APKumar1980, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं कि इट इज़ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है, ये आपको एक प्रोवाइड करता है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है? पेड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको मिलता क्या है? इसके अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस, देन आपके पास रेगुलर टेस्ट्रीज एंड क्विजेस, एंड उसके बाद आपके पास एक डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है। ये ब्यूटी है इसकी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, कि आफ्टर एवरी 3 क्लास यू विल हैव अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, यानी कि 4th क्लास उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन, आफ्टर एवरी 3 क्लास, 5th क्लास, 6th एंड 7, तो जो 8th क्लास होगा, अगेन दैट वुड बी डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, चलिए। एंड आपको जो यूज़ करना है, दिस इज कोड PAVAN10 फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस। कंप्लीट गाइडेंस का मतलब होता है कि ट्यूटोरियल प्लस मेरा जो आपका गाइडेंस मिलेगा, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एटसेट्रा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मेरे से बात कर सकते हैं। इफ़ यू कम थ्रू दिस कोड PAVAN10, आपको ये याद है, PAVAN10 इज माइंड कोड। ठीक है, रेगुलर टेस्ट एंड आंसर राइटिंग्स होते रहते हैं यहाँ पर, एंड फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन एंड मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी चलता रहता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ PAVAN10। ठीक है ना, अगर प्लस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत अगर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4x9860206 पे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये, जान लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर बिगनर्स। ये एकदम बिल्कुल मुझे लगता है कि बिगनर्स के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, उसके बाद आपको पर्सनलाइज फीडबैक भी दिया जाएगा। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग जो कि जोड़ा गया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। 1 ईयर का जो कोर्स फी है वो 64,000 का है, 2 ईयर का 99,000 का है। अगर आप PAVAN10 का कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट। तो ये 64,000 का जो कोर्स होगा, ये 57,600 रुपये का आएगा, और ये 99,000 का ये कोर्स समवेयर अराउंड 89,000 का आएगा। यू कैन यूज़ दिस कोड। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, देन आप मूव करेंगे। ये मैं वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ, प्लस की तरफ जाएंगे,
प्लस के बाद आपके पास यहाँ पर गोल सेलेक्ट करना होता है, यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है आपको, एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। एंड आपके पास ये सब्सक्रिप्शन का पूरा प्लान आ जाएगा। आप देखेंगे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं तो ये 64,000 का 2 साल का है, और 1 साल का 44,000 का है। पवन 10 का कोड यूज़ करेंगे तो ये 44,000 बन जाएगा, कितना 39,600, और जो 64,000 का है ये कितना हो जाएगा 57,600। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं दिस इज कॉल्ड पवन 10 का कोड आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, आज हम लोग बात करना शुरू करें फोकस में, ठीक है। सो फोकस में लोग बात करना शुरू करते हैं। कल हमने बात करी थी कि रशिया ने पहला कोरोना वायरस का वैक्सीन स्पुतनिक 5 को डेवलप कर लिया है, सो इसको विकसित कर लिया था, ठीक है ना, द फर्स्ट वैक्सीन दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय रशिया, ठीक है। आज एक न्यूज़ है इसी से जुड़ा हुआ कि रशिया और जो ब्राज़ील है हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5, ठीक है ना। और अब क्या है कि जो रशिया है और ब्राज़ील, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे इन द प्रोडक्शन, यानी कि जो वैक्सीन है आपके पास स्पुतनिक 5, इसके प्रोडक्शन में, इसके मार्केटिंग में, ठीक है ना, मार्केटिंग में। सो अब रशिया के साथ ब्राज़ील क्या करेगा, इसके प्रोडक्शन और मार्केटिंग में इसको हेल्प करने वाला है, मार्केटिंग में हेल्प करने वाला है, राइट। सो रशिया एंड ब्राज़ील हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, ये आपको याद रखना है। रशिया के साथ कौन है, ब्राज़ील है, राइट। रूस और ब्राज़ील दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के मतलब स्पुतनिक 5 है ये, वर्चुअली ये स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो रशिया के साथ कौन है, दिस इज योर ब्राज़ील। नेक्स्ट आ जाइए, अभी क्या हुआ है कि इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जारी हुआ है RDIF के द्वारा। RDIF का मतलब क्या है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें ये कहा गया है कि एग्रीमेंट वॉज रेज विद द ब्राज़ीलियन स्टेट पाराना, ठीक है ना, ऑन वेडनेसडे, यानी कि जो बीता वेडनेसडे है उसमें RDIF जो रशिया की तरफ से रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, वो इसने एक समझौता किया है ब्राज़ीलियन स्टेट पाराना के साथ, ठीक है, इसके मार्केट, इसके प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के लिए इस वैक्सीन के। एज पार्ट ऑफ साइंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, RDIF टूगेदर विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द स्टेट ऑफ पाराना इज ऑर्गेनाइजिंग the production of Sputnik 5 vaccine and its distribution in Brazil, ठीक है ना, and other Latin American countries, ठीक है। यानी कि ब्राज़ील में और जो दूसरे लैटिन अमेरिकी देश हैं, आप जानते होंगे लैटिन अमेरिकी देश के बारे में, तो यहाँ पर जो वैक्सीन का मार्केटिंग होगा ये लोग दोनों मिलकर करेंगे, रशिया एंड कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। तो इसके लिए रशिया की तरफ से RDIF रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड दिया गया है, एंड ब्राज़ीलियन स्टेट ऑफ पाराना, ठीक है ना, जो है सो इसके साथ मिलकर के ये काम करेगा, ठीक है, स्पुतनिक 5 के लिए, राइट गाइस। अब देखते हैं कि ऑन 11th अगस्त द रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन स्पुतनिक 5 वैक्सीन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ COVID-19, ठीक है। सो 11 अगस्त को मैंने चर्चा भी किया था कि COVID-19 से लड़ने के लिए पहला जो रजिस्टर्ड वैक्सीन है जिस देश ने डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड रशिया, और उसका नाम क्या है, स्पुतनिक 5। अब इसी को बनाने के बाद अब आपको मार्केट भी करना होता है ना, मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार आपने डेवलपमेंट कर लिया तो सारी मार्केट में लाने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है, इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 months लग ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं RDIF रशिया की तरफ से और ब्राज़ील की तरफ से उसका जो एक स्टेट है पाराना, ये दोनों मिलकर इसके मार्केटिंग को करेंगे, इनके प्रोडक्शन का काम करेंगे, और मिलकर के ये लोग ब्राज़ील में और जो दूसरे लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, आप लोग जान रहे होंगे ये आपका अमेरिका है, ठीक है, तो ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं यहाँ पे, इसमें डेवलपमेंट एंड ब्राज़ील, ये जो है ब्राज़ील का, इसमें ये क्या करेंगे, इसका मार्केटिंग करने का काम करेंगे, राइट। चलिए आ जाइए, हिंदी में भी है ये, मैं फिर से आपका PPT आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना, ये जो PPT है आपको मिल जाएगी PDF के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, हाई वर्षा, हाई वंदिता दुबे, थैंक यू वेरी मच वंदिता। अब आज ये एक इनिशिएटिव लिया गया जिसको लॉन्च भी कर दिया गया आपका हमारे राजनाथ सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं साहब के द्वारा, ये है आपके पास NIIO। अब ये NIIO है क्या, तो N का मतलब है नेवल, I का मतलब इनोवेशन, एंड I का मतलब इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कल लॉन्च किया गया। ये एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में बात करें तो देखिए क्या है कि NIIO जो है ना पुट करेगा प्लेस डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स फॉर द एंड यूजर्स इनटू द यूजर्स टू इंटरैक्ट विद एकेडमिया एंड इंडस्ट्री टुवर्ड्स फोस्टरिंग इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन यानी कि जो खोज है ना, एंड इंडियनाइजेशन और भारतीयकरण, ताकि सेल्फ रिलायंस हो सके। आपको मालूम होगा कि अभी हमारा एक नारा चला, दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर का, आत्मनिर्भर, ठीक है,
सो आत्मनिर्भर भारत के बारे में लोग बात करें तो हर एक फील्ड में हम इंडिया जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो NII है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है, पुट्स प्लेस डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा एंड यूजर्स के लिए, इंटरैक्ट विद एकेडमिया, यानी कि जो लोग भी रिसर्च वगैरह में काम में लगे हैं वो, एंड इंडस्ट्री, ये लोग क्या करेगा कि इनोवेशन को, यानी कि खोज को क्या करेगा, बढ़ावा देगा और इंडियनाइजेशन यानी कि भारतीयकरण करने की कोशिश करेगा फॉर सेल्फ डिफेंस इन सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि रक्षा के क्षेत्र में जो भी हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी है, उसके लिए NIIO प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसमें वो क्या करेंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, जो एकेडमिया के लोग होंगे और इंडस्ट्री के लोग होंगे, उनको उनके बीच में इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको, इस NIIO को लॉन्च किया गया। अब जो ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी है 2020 की, दैट इज कॉल्ड DAP 20, ठीक है ना। सो ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी रोल्ड आउट बाय द डिफेंस मिनिस्टर लास्ट मंथ इन विसाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय द सर्विस हेडक्वार्टर्स, ठीक है। सो ये जो ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी आई है DAP 20, इसी के अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, पिछले महीने NIIO यानी कि इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बाय द सर्विस सेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने की बात कही है। गुड मॉर्निंग पंकज, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाए, हम लोग बात करें हिंदी में भी आपके पास है, ये चला जाएगा आपके पास हिंदी में भी, ओके गाइस नेक्स्ट आ जाइए। इंडियन नेवी ना ऑलरेडी इनके पास कहा गया कि भाई जितने भी सर्विस हेडक्वार्टर्स होंगे, सर्विस का मतलब आर्मी एयरफोर्स और नेवी, सबका अपना हेडक्वार्टर वहीं पर NIIO को फंक्शनल किया जाएगा, लेकिन इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी इनके पास फंक्शनल डायरेक्टरेट है फॉर इंडियनाइजेशन एंड द न्यू स्ट्रक्चर क्रिएटेड विल बिल्ड अपॉन ऑन गोइंग इंडियनाइजेशन इनिशिएटिव एज वेल एज फोकस ऑन द इनोवेशन। कहा कि इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी इनके पास एक फंक्शनल यानी कि जो पहले से काम करता हुआ डायरेक्टरेट है जहां पर NIIO को खोला जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, गुड ग्रेट। अब इस ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट द इंडियन नेवी साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए जब ये जो डेवलपमेंट का काम होने वाला है ना, इसके लिए MOU साइन किया जाता है, यानी कि समझौता किया जाता है, यानी कि जो समझौता जो आपके पास MOU साइन करने की कवायद होती है, तो इंडियन नेवी के पास यहाँ फंक्शनल किया जा रहा है तीनों सर्विसेज में, आर्मी एयरफोर्स नेवी में। तो इसने क्या किया, उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नाम आपको कुछ याद रखने होंगे, इसके साथ MOU साइन किया, यानी कि इंडियन नेवी ने जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये के इसके साथ किया है, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU साइन किया है जो गुजरात में है, एंड मेकर विलेज कोची है, एंड जो कि मेकर विलेज कोची में है, एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि तीन के साथ इसने MOU साइन किया है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, एंड देन आपके पास है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इनके साथ इन्होंने MOU साइन किया है। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, पर्सपेक्टिव प्लान है ये इंडियन नेवी का, इसको बोलते हैं स्वावलंबन, ये स्वावलंबन इसको रिलीज किया गया है, तो कंपेंडियम है इसका, दैट इज रिलीज नाउ, ठीक है। सो स्वावलंबन याद रखें, इट इज अ कंपेंडियम ऑफ इंडियन नेवीज जो कि भारतीयकरण करना है जितने भी उसकी पॉलिसीज हैं उनको। सो इस अवसर भारतीय नौसेना के स्वदेशी परिप्रेक्ष्य में योजनाओं का एक संकलन जिसका शीर्षक स्वावलंबन है भी जारी किया गया है। और लॉन्च इवेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात एंड मेकर विलेज कोची एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये नाम आपको याद जरूर रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये इंडियन नेवी ने किसके साथ MOU साइन किया था, NIIO के लिए, NIIO के लिए, ठीक है। चलिए आ जाए नेक्स्ट, आइए हम लोग बात करते हैं पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। देखिए क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश में ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो पापुम जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, इज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये आपके पास बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, ये दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया IBAs इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अभी एक स्टडी हुआ है, एक अध्ययन हुआ है कि हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि आप जानते हैं कि हर जगह जंगलों को साफ किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है ना। इन पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो मेजर यहाँ का जो हॉर्नबिल हैबिटेट है जो अरुणाचल प्रदेश का, तो ये फ्लैग क्या है, हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि यहाँ ये पता चला है कि स्टडी के दौरान जो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है ना, इस पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल एक पक्षी होती है जिसका ये आपका
काफी संख्या में यहाँ रहती है, जिसका एक निवास स्थान यहाँ पर में ड्वेलिंग होती है, उस जंगल को बहुत तेजी से काटा गया है, पॉपम रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। तो आपसे सीधा एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि पॉपम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है लोकेटेड, ये आप जानती होंगे, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो रोड स्टडी की बातें होती हैं, जहाँ आपको तो जो रटना होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा पॉपम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और ये हैबिटेट है किसका, तो ये पक्षी है, दिस इज कॉल्ड योर हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल का इमेज दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पपम संरक्षण वन हो गया। अब ये लोकेटेड कहाँ है, ये टू आईबीएस के बीच में लोकेटेड है, ईटानगर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टू द ईस्ट में, ठीक है ना, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो वेस्ट में है वो है पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके बीच में ये पापुम है, इसके बीच में ये लोकेटेड है पापुम, पापुम रिजर्व्स, ठीक है। तो ये याद रखना है पापुम आपके बीच में कहाँ है, सो इसके ईस्ट में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और इसके वेस्ट में पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू द वेस्ट है। अब ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट में जो नाम है जो रेयरली आप सुनते होंगे, जो एनसीईआरटी के बुक में भी ये सारे नाम नहीं है, तो आपको इनको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि करंट की वैसे ये आपके लिए एनवायरमेंट का टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए पापुम नहीं है कृणाल, ऐसा नहीं है कृणाल, आप याद रखिए इसको, देख लीजिए, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, इट इज नॉट इन अहमदाबाद। सो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस एंडेमिक बर्ड एरिया, ठीक है ना, जो ईस्टर्न हिमालय, जो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है वो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी हिमालय के जो एंडेमिक बर्ड्स है ना उनका ये एरिया है, जिसमें हॉर्नबिल भी आता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द साइट इज कवर्ड बाय सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी याद रखेंगे कि इस लोकेशन में जो वेजिटेशन मिलता है ना, जो वनस्पति मिलती है, वो सब ट्रॉपिकल है, ड्राई एवरग्रीन है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वाइल द हायर एरियाज आर अंडर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट कवर्स, ठीक है। सो ये नीचे ये है और ऊपर के लोकेशन पे आपके पास सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ यानी चौड़ी पत्तियों वाले हिल फॉरेस्ट दिखाई देंगे। जो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये नेस्टिंग हैबिटेट है ऑफ थ्री स्पीसीज ऑफ द लार्ज, कौन कौन सा है, कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल्स का, ठीक है, ग्रेट रेस्ट एंड ओरिएंटल पिट का। अब ये जो पापुम है, जो मैंने बताया था हॉर्नबिल के लिए जाना जाता है, हॉर्नबिल जो पक्षी जो आपने देखा था, इसके कई वेराइटीज हैं, इसमें एक वेराइटी है ग्रेट हॉर्नबिल, दूसरा है रेत हॉर्नबिल और तीसरा है ओरिएंटल पिट हॉर्नबिल, इनका ये हैबिटेशन का इलाका है। और ये जो पूरा का पूरा जो पापुम रिजर्व एरिया है उसका टोटल एरिया है 862 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है किसका ये रहने का किसका निवास स्थान है, तो हॉर्नबिल का है। ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कि कम से कम इतनी चीज़ें याद रखें, एंड देन आपके पास वेजिटेशन याद रखना है कि ईस्टर्न हिमालय में इधर जो है वेजिटेशन कौन सा है आपके पास, तो ये जो आपके पास है वो है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का है ये, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे, हम लोग बात करते हैं, सो लेट्स मूव नाउ। ये हिंदी में भी आपके पास, हिंदी में भी चला जाएगा आपके पास। अब देखिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसको बोलते हैं SEP 2.0। अब SEP है क्या, तो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये, स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये। शुरू किया गया है एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, ये दोनों ने कोलैबोरेट किया है, किसके साथ, डेल के साथ किया है, डेल जो कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है 2.0, दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SEP 2.0, इसने क्या किया है एम के, नीति आयोग के साथ, एम के साथ और डेल, इन तीनों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड SEP 2.0, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है ना, फॉर यंग इनोवेटर्स फॉर अटल टिंकरिंग लैब्स। आप अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में भी कई बार चर्चा हो चुकी है अपनी, तो इसमें जो यंग इनोवेटर्स हैं उनके लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में ही उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि सरकार क्यों कर रही है, सरकार ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने ये बात कही थी कि हमें कम से कम रोजगार, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ सोचना चाहिए, कम से कम अपने गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोचना चाहिए, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो जो यंग्स हैं, जो यूथ हैं, उनके अंदर में उद्यमशीलता यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि कुछ बिजनेस एस्टैब्लिश करने का जो है कंसेप्ट, उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि वो कंट्री के ऊपर क्या करें, निर्भर ना रहें कि मुझे रोजगार देगी सरकार, बल्कि वो खुद ही अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके अपने आप को रिलायंट कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंट कर सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ SEP 2.0, स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उसके अंदर
उद्यमशीलता यानी कि जो बिजनेस करने की जो भावना है, उनका सेल्फ का जो अपना इनिशिएटिव स्टार्टअप स्टार्ट करने की जो भावना है उसको मजबूत करना है। तो ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दैट इज 2.0, ये शुरू किया गया AIM या दैट इज कॉल्ड अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और जो है डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कैलाश, चलिए आ जाइए, हिंदी में भी आपने देख लिया। सो नीति आयोग, एम एंड डेल, नेक्स्ट आ जाइए। जो आपके पास ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है 2.0, ये अलाउ करेगा स्टूडेंट्स को टू वर्क क्लोजली विद द डेल वॉलंटियर्स। और ये किसके साथ काम करेगा? डेल वॉलंटियर्स के साथ। इसमें जो भी स्टूडेंट्स आएंगे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, वो डेल के साथ, जो वह डेल के साथ है, वो मिलकर के उनके साथ काम करेंगे। दे विल रिसीव मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग सपोर्ट, एंड यूजर्स फीडबैक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड पेटेंटिंग ऑफ आइडियाज, प्रोसेस, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, एज वेल एज द लॉन्च ऑफ सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। इन सारी चीज़ों के लिए इनको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और जो SEP 1 है 1.0, ये 2.0 है जिसको अभी लॉन्च किया जा रहा है, और ये जो 1.0 था जिसको जनवरी में शुरू किया गया था 2019 में, तो ये याद रखेंगे, ये SEP 1.0 है और ये SEP 2.0 है। ठीक है, जिसको अभी लॉन्च किया जा रहा है। इज इट क्लियर सर? SAP 2.0, SAP 1.0, समझ में आ गया? ये दोनों फर्क है, ये पहले 2019 में शुरू किया गया था जनवरी 2019 में, और दूसरे SAP 2.0 को अभी शुरू किया गया है। ठीक है, अब आ जाइए मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन 2020, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दरअसल क्या है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, MBBS की डिग्री होती है, CA की डिग्री होती है, तमाम लोगों की डिग्री होती है, तो इन सबों के लिए ना एक निर्धारित न्यूनतम मानक स्थापित किया गया है, न्यूनतम मानक यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स फिक्स किया गया है। इसी तरीके से जो आर्किटेक्चरल के लोग हैं ना, जो एजुकेशन का रेगुलेशन जारी किया गया है 2020, ये भी 2-3 दिन पहले है, तो इसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं। ठीक है, सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन 2020। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन 2020। और ये जो रेगुलेशन होगा, दीज रेगुलेशंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। और इसके लिए जो रेगुलेशन तैयार किया गया है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। ये तो एक नई संस्था के बारे में हमको पता चला, दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। ठीक है ना, जिसने इसको तैयार किया है, तो देखिए जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी शब्द का मतलब क्या होता है कि सांविधिक। सांविधिक का मतलब हो गया कि इसे पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है, यानी कि क्रिएटेड बाय संसद, पार्लियामेंट ने इसको क्रिएट किया है। और स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। ठीक है, आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। ठीक है, सो जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका निर्माण, स्टैट्यूटरी शब्द कहने का मतलब पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है, और इसको एस्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, और ये जो प्रावधान किया गया है वो आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस टू बी कंपाइल्ड विद बाय द प्रिपेयरिंग जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स। अब इसके लिए क्या है कि जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करेगा, उनके लिए वो प्रोवाइड करेगा। आप देखेंगे हर एक का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, हर किसी की, चाहे आप CA के बारे में बात करें उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मेडिकल के बारे में बात करें उसकी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंजीनियरिंग के बारे में बात करें उनकी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसी तरीके से आर्किटेक्ट्स वालों के लिए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स। यही इनके लिए प्रोवाइड करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस टू बी कंपाइल्ड विद द प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स। सो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन थ्रू आउट द इंडिया बिसाइड्स मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ आर्किटेक्ट्स। ठीक है, सो पूरे भारत में इसको रेगुलेशन करने का काम किसके पास है, COA के पास, दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इज इट क्लियर? ये याद रखना है, इसका ईयर भी 1972, सो AA 1972। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए हम लोग, हिंदी में भी आपके पास है, इसको देख लीजिएगा। डन सर्स एंड मैम्स, नेक्स्ट आ जाइए। अब ये स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी की बात खोली गई है। ठीक है ना, स्वच्छ भारत जो मिशन एकेडमी है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी हाल में यूनियन मिनिस्टर ने जल शक्ति,
जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ने लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी, स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। और आपको मालूम है स्वच्छ भारत किससे जुड़ा हुआ है, बाय डायलिंग द डेजिग्नेटेड IVR, ठीक है ना, इंटरैक्टिव वोकल जो रिस्पॉन्स होता है, टॉल फ्री नंबर, ठीक है। तो इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री ने अभी स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को क्या किया, अभी स्टार्ट किया है बाय डायलिंग द डेजिग्नेटेड IVR टॉल फ्री नंबर। IVR का मतलब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऑन ODF, ये ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स है, मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है ODF के ऊपर। ODF का मतलब क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, इसका मतलब ODF जो है खुले में जो लोग शौच करते थे, यानी कि जाकर के खुले में गांव गांव में आपने देखा होगा जो लोग गांव से सरोकार रखते होंगे तो लोगों को बाहर जाने की आदत थी फॉर आई मीन पॉटी वॉटी के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विल बी क्रूशियल इन अचीविंग गोल्स अंडरलाइन इन फेज टू ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है ना। सो स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंदर जो आपको फ्री करने की बात की गई, ODF फ्री करने की बात की गई, तो इसके गोल्स जो रखे गए हैं उसको अचीव करने में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। सो स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी ये ऑनलाइन लर्निंग कोर्स होगा, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, राइट गाइज। चलिए आपने हिंदी में भी देख लिया, अब देखते हैं ये जो स्वच्छ भारत अकेडमी है ना, विद इट्स मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी will significantly boost the capacity building efforts in the training of swachhagrahis as well as community based organizations NGOs and other associated phase 2 of the mission, theek hai। so ye bhi hai, iske sath ye bhi dhyan mein rakhenge। as of now content of SBM swachh bharat mission academy is in hindi and the users are expected to dial to a toll free number and complete listening to the entire content in their mobile phones, theek hai na। so aapko kya karna hoga, ye toll free number hoga, is pe aap number dial karenge और जो भी पूरा का पूरा जो कोर्स होगा ना, पूरा का पूरा जो कंप्लीट, वो आपके थ्रू विजुअल ये ऑडियो के थ्रू आप उस मोबाइल पे इसको सुन सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। देखिए स्वच्छ भारत जो मिशन एकेडमी है इसके लिए क्या है कि IVR सिस्टम, यानी कि फ़ोन करने का व्यवस्था दिया गया। आप इस नंबर पर जो भी नंबर डाला गया है ये 1800 1800 404, इसके ऊपर फ़ोन करेंगे। फ़ोन किया अगर आपने तो फ़ोन के बाद IVR में रेस्पॉन्स आपको मिलेगा और आपका पूरा का पूरा जो कोर्स कंटेंट होगा ना वो मोबाइल फ़ोन पर आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एकेडमिक स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी दैट इज स्टार्टेड थ्रू IVR, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं, ठीक है। चलिए इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स, ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है। हाई कैलाश, निशि, स्वाति, कैलाश चरण, वर्षा, कृणाल, राजेंद्र, सभी लोग समझ पा रहे हैं फटाफट यार प्लीज मुझे बताएं। एवरी वन गाइज जस्ट लेट मी नो फटाफट, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, मैं आपकी तरफ रिस्पांस देख रहा हूं। क्लियर है, ओके वेरी गुड। और ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आप चूक गए तो चूक गए। करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें, ये सारा वो इंफॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट के डेटाज में आ रहा है, गवर्नमेंट चैनल्स पे आ रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है ना, आपके पास DD न्यूज गवर्नमेंट का हो गया, राज्यसभा लोकसभा टीवी। सो एक ऑब्जेक्टिव है कि ये सारी चीजें हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हम लोग कुछ मोटी मोटी बातों को करते हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स में आपके पास कई अभी यहां पर इंफॉर्मेशन चली जाती है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर, ओके कैलाश, चलिए ठीक है। सो सभी लोग रहा करें, कहां हैं आप लोग, ठीक है ना, सो सभी लोग रहा कीजिए और प्लीज लाइक और शेयर भी करते रहिए, थैंक यू वेरी मच गाइज। चलिए अब ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है ना, तो आपको ये सीधा याद रखना फिट इंडिया जो फ्रीडम रन है ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच चलेगा, यानी कि गांधी जयंती तक चलेगा, ठीक है। और इसको कौन लॉन्च करने वाला है, ऑर्गेनाइज करेगा, तो आपके पास जो खेल मंत्रालय वो करेगा, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करेगी। और ये चलना कब से कब तक है, 15 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में चलेगा। ये एक मेगा इवेंट है जिसको लॉन्च किया जा रहा है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा, आज किया जाएगा, ठीक है ना। द इवेंट इज टारगेटेड टू इनकरेज फिटनेस अमंग द मासेस वाइल COVID-19 प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। ये क्या क्या ये जो एफर्ट चल रहा है ना कि जो फिट इंडिया आप नाम से स्पष्ट है, फिट इंडिया फ्रीडम मूवमेंट है, इसमें आप क्या करेंगे, सभी को फिटनेस की बात सिखाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए अगर मान लेते हैं कि फ्रीडम रन अगर होने वाला है तो इसके अंदर आप COVID-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू चलना, ये तमाम बातें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ चलती हैं। तो COVID-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फिट इंडिया फ्रीडम रन को शुरू किया जा रहा है 15 अगस्त से
और 2 अक्टूबर के बीच में। करने वाला कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, राइट। चलिए सर अब आ जाइए, ये हमने हिंदी में भी देख लिया, हिंदी में भी अपने पास उपलब्ध है, आपके पास ये चला जाएगा भी, ठीक है। चलिए और थैंक यू अजय रावत, थैंक यू एग्जैक्टली। और अभी आज अपना जो प्रोग्राम है ना, 12:30 से भी क्लास है आपकी, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 14 अगस्त को ही 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हो गया, आज़ादी मिली हमें 15 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त के दिन भारत का विभाजन हो गया। तो आज हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाकर, मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना है, तो उसके अंदर आज कंटेम्प्रेरी टॉपिक है ये, जिसमें हमें ये बात करना होगा क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था, क्या क्या वो संभावनाएं थी, किससे क्या गलती हुई, कौन लोग कितने इसके जिम्मेदार थे, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं 12:30 बजे। और फिर 1:15 बजे हमारी बात होगी मैप के ऊपर में, मैप यानी कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पेपर 1 का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं आज, इकोनॉमिक हिस्ट्री के सेक्शन को। तो आप लोग 12:30 में भी रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग 1:15 पे भी रहेंगे, ठीक है। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स। और फिर जो आज का क्वेश्चन था, जो मैं अभी 2-3 दिन से देख नहीं पा रहा था, कल मुझे कहीं रात में निकलना पड़ गया था, तो टेलीग्राम ग्रुप पे पिछला क्वेश्चन मैं चेक करूंगा और आज का क्वेश्चन आप लोग 10 से 11 के बीच में पोस्ट भी करेंगे, ठीक है। जो नया क्वेश्चन जो आज मैं दूंगा आपको, वो लिखना पड़ेगा और लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करना पड़ेगा। कितने बजे? तो आपको 12:30 से 1 के बीच में और 1:15 से 2 के बीच में, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप रहेंगे यहाँ पे। द मोटो ऑफ दिस प्रोग्राम इज, खेल मंत्रालय के द्वारा जो फिट इंडिया रन है, फिट इंडिया फ्रीडम रन है, उसका मोटो क्या है? फ्रीडम रन, फ्रीडम रन है, ठीक है ना। इज टू इनकरेज फिटनेस एंड हेल्प सिटीजन्स टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ओबेसिटी यानी मोटापे से, लेजीनेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अदर डिजीजेस। पर आप जानते हैं खासकर कोरोना वायरस के केसेस में, इस दौरान अगर आपने देखा होगा तो हम लोग क्या है, ओबेसिटी, बैठे बैठे घर के अंदर मोटे होने लगे, कई लोग लेजी हो गए, ठीक है ना, कई लोग स्ट्रेस में आ गए, एंग्जाइटी हो गया। तो इन सभी को हटाने के लिए ये जो है फिट फॉर रन शुरू किया गया, फ्रीडम रन शुरू किया गया। इन रिसेंट पास्ट एज वेल, फिट इंडिया हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड Numerous big scale events such as Fit India Plog Run. Plog Run का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लॉगिंग, आपने एक बार देखा भी होगा, प्लॉगिंग का मतलब है कि आप दौड़ेंगे, आपके पास में कोई भी पैकेट वैकेट होगा, ठीक है ना, आप चलेंगे दौड़ते हुए जाएंगे, ठीक है ना, आपके साथ ये बैग होगा, ठीक है, आपके साथ ये बैग होगा आपके इसके ऊपर में, और जो कूड़ा कचरा रोड के ऊपर गिरा रहता है ना, कूड़ा कचरा जो थ्रैश बीन्स होता है, लिटरिंग रहता है, आप इसको पिक करेंगे और इस बैग में डालेंगे और इसकी सफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्लॉगिंग। प्लॉगिंग समझ पा रहे हैं, किसी भी इलाके में आप चलते जाएं, दौड़ते जाएं, ब्रिस्क वॉक करें, दौड़ें, और दौड़ते समय आपको कोई कचरा की बॉटल मिल गया, कोई प्लास्टिक का चीज सामान मिल गया जो आपके एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, आपके ब्यूटिफिकेशन यानी कि जो जो सैनिटेशन है उसके लिए ठीक नहीं है उस लिहाज से, तो आप उन चीज़ों को पिक करेंगे और उसको अपने बैग में डाल करके आप ले जाकर कहीं कूड़े वाले के ढेर के पास उसको छोड़ कर आएंगे। दैट इज कॉल्ड फिट इंडिया, ठीक है। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? इज ये सभी लोग समझ? प्लॉग का मतलब चुनते रहना, ठीक है ना, जो कूड़ा कचरा जो हम लोग खाते हुए, कई लोग चिप्स खाया और जो है अंकल चिप्स का पैकेट वहाँ फेंक दिया, रोड के ऊपर फेंक दिया, बिस्किट खाया रोड के ऊपर फेंक दिया, हमने कुछ और खाया इसको फेंक दिया, यानी एक तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं। संदीप, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, पवन सर यूपीएससी एडुकेटर के नाम से है, वहाँ पर ये सारा का सारा पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो प्लॉग रनिंग का मतलब आपने समझ लिया कि प्लॉगिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड प्लॉग रन, ठीक है ना, प्लॉगिंग। एंड साइक्लोथॉन टू टेक द मैसेज ऑफ फिटनेस टू द मासेस, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए। अब ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगला जो न्यूज है न्यूज नंबर 8 जो हमारे पास है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है उनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट नंबर ऑफ इंडिया में जो है वो पहला नंबर रखता है ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए, और 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया है, 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है ना, जो क्षेत्र है उसमें 9th है ये, अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये देखते हैं क्या है कि मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स क्या हो सकते, एक्सपोर्ट्स क्या क्या है हमारे से, जो भारत से निर्यात किया जाता है, यहाँ से जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स समझते हैं ना हम लोग, तीसी समझते हैं, तीसी, ये तीसी हो गया, ठीक है ना, सेशम्स हो गए, ठीक है ना, फ्लैक्स सीड्स, सी, सेशम, सोयाबीन, टी, मेडिकल मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पर्ल्स, दीज आर कॉल्ड आपके पास के ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनकी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में होती है, फ्लैक्स सीड्स का, सेशम्स का, सोयाबीन का, ये सोयाबीन लिख गया, ये सोयाबीन है वर्चुअली, टी है, मेडिसिनल जो भी आपके प्लांट्स हैं, राइस एंड पल्स हैं, इन सबों की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और ऑर्गेनिक फार्मर्स की इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्थान है वो इंडिया में कौन है, वो इंडिया में ही ऑर्गेनिक फार्म है। और एरिया वाइज यानी कि जितने क्षेत्रों पर आपके यहाँ क्या किया जाता है, फार्मिंग की जाती है, उसमें इंडिया का 9th
रैंक आता है, नाइन्थ रैंक एरिया वाइज आता है, ठीक है ना। और फार्मर्स की दृष्टि से इंडिया फर्स्ट है, यानी सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो इंडिया में है। अब सिक्किम, ये याद रखना है, जो सिक्किम है बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट्स, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पूरी दुनिया में सिक्किम जो है पहला राज्य है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट हो गया है। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिक का जो प्रोड्यूस है उसका यूज करने वाला, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का मतलब समझ पा रहे हैं, जिसके अंदर ना तो आप कोई पेस्टिसाइड, ना तो कोई आप से जो फर्टिलाइजर्स जैसे कि एनपीके वगैरह उसको डालते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं नेचुरल प्रोसेस है जो आपके रीजनरेशन होता है सॉइल का उसको क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं। जितने भी मैन्यूरिंग होती है ना वो कंपोस्ट वगैरह उसको करके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते हैं, यानी कि जिसके अंदर कोई केमिकल का यूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सो वर्ल्ड का बिकम पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट्स है। अब दूसरे स्टेट भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड हैव सेट सिमिलर टारगेट्स, ठीक है ना। तो एक तो हो गया सिक्किम द फर्स्ट स्टेट, ये आपको याद रखना है पीटी के लिए, एंड त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट। नॉर्थ इन जो इंडिया है ना हैज ट्रेडिशनली बीन ऑर्गेनिक एंड कंजम्पशन ऑफ केमिकल इज फार लेस दैन रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रेडिशनली देखेंगे ऑर्गेनिक फूड का यूज होता है ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से, एंड कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स, और जो फर्टिलाइजर के बारे में हम बात करते हैं, जो केमिकल्स की बात करते हैं, वो भारत के अन्य हिस्से से यहाँ पर काफ़ी कम होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूरी परंपरागत व्यवस्था ही चल रही है, यहाँ पर मैं अभी तक जो केमिकल्स यानी केमिकल फर्टिल जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सो ओके गाइस, इज फार लेस देन रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो इस बात को समझ पा रहे हैं हम लोग, हिंदी में भी आपके पास उपलब्ध है। इज इट क्लियर सर? हाँ, विदाउट केमिकल फार्मिंग, राइट, नेचुरल प्रोसेस। चलिए, विद द एम ऑफ असिस्टिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इम्प्रूव रेम्यूनरेशन ड्यू टू प्रीमियम प्राइसेस, टू डेडिकेटेड प्रोग्राम्स नेमली मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज कॉल्ड MOVCD, मॉब सिडी, एंड एक है परंपरागत कृषि विकास योजना, दैट इज कॉल्ड PKVY, वेयर लॉन्च्ड इन 2015 टू इंक्रीज केमिकल फ्री फार्मिंग, यानी कि 2015 में दो कार्यक्रम को शुरू किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, और उसको क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ जो फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं उनकी आमदनी बढ़े, उनको प्रीमियम प्राइसेस मिले, इसके लिए दो डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू किए गए 2015 में। एक है MOVCD, दैट इज कॉल्ड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, और दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना। इन दोनों को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, टू एनकरेज केमिकल फ्री फार्मिंग 2015 में, राइट। सो ये आपको याद रखना है, ये दोनों का दोनों प्रोग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओके सर, चले फिर आगे, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, हिंदी में भी आपके पास उपलब्ध है। अब देखते हैं, अभी एक और प्रोग्राम अभी है, ये नहाई का है। अभी ये बात हुई है कि नहाई का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, अगले 5 वर्षों में हम लोग बात करें, 2020 में है तो 2025 तक 23 नए न्यू एक्सप्रेसवे ऑन हाईवेज को लाना है, उनको उसको क्रिएट करना है। ये प्रोग्राम टारगेट है नहाई का अगले 5 वर्षों के लिए, 2025 तक के लिए। इसमें देखेंगे कि 4 एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं, जो दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद धोलेरा एंड अमृतसर जामनगर आर शेड्यूल टू कंप्लीट बाय मार्च 2023, ठीक है, और जो 9 अन्य हैं उनको मार्च 2024 तक कर लिया जाएगा। यानी कि पूरा टारगेट है 23 का वो हमारे पास क्या है 2025 तक का, जिसमें 2023 तक हमारे पास ये इतने आ जाएंगे, कौन कौन सा, दिल्ली मुंबई आ जाएगा, अहमदाबाद धोलेरा आ जाएगा, एंड देन अमृतसर जामनगर, ये 3 हमारे पास मार्च 2023 तक तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा 3 के बाद फिर 9 है आपके पास, यानी कि मार्च 2024 तक, यानी कुल हो गए 12। उसके जो 11 बच जाएंगे वो मार्च 2025 तक सारे के सारे एक्सप्रेसवे और हाईवेज को डेवलप कर लिया जाएगा, ठीक है। सो 23 न्यू एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज कमिंग अप इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और इसके लिए टाइमलाइन रखा गया 2025 का। इसमें नेटवर्क होगा एक्सप्रेसवे का एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का, विल बी रेडी बाय मार्च 2025, ठीक है सर। चलिए आ जाइए, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रही है, अब आ जाइए। अब इसी में समझना है, आज कुछ चीजें काम के यहाँ पे, इसको समझिएगा, ध्यान से समझना है आपको, बताऊंगा अभी अगले स्लाइड पे आएगा। अ स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय नहाई शोज दैट 9 अदर ग्रीन फील्ड हाईवेज वुड बी कंप्लीटेड बाई मार्च 2025। अब यहाँ पे एक शब्द है 9 अदर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट्स, ये क्या होता है, ग्रीनफील्ड क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, कौन बताएगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे, हु विल लेट मी नो, कोई बताएगा मुझे ग्रीनफील्ड हाईवेज क्या होते हैं,
ग्रीनफील्ड हाईवेज, ये कौन बताने वाला है मुझे? सभी लोग मुझे प्लीज बताएं। कोई नहीं बताएगा मुझे, नाराज क्यों भाई? ओके ओके प्रीति कुमारी, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, वेरी गुड। देखिए, सो गुड वन, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, फ्रॉम ग्राउंड जीरो, वेरी गुड संप्रियो, वेरी गुड संप्रियो। आशुतोष गोयल, न्यू प्रोजेक्ट्स, रोड साइड प्लांट, ओके टोटली न्यू हाईवे, ओके गुड, नहाई फुल फॉर्म, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी स्वाति ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रेश डेवलपमेंट, वेरी गुड। देखिए क्या, तो स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि नहाई शोज दैट 9 अदर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट्स वुड बी कंप्लीट बाय मार्च 2025। तो अभी मैं बता दूंगा, दो प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है ब्राउनफील्ड और एक होता है ग्रीनफील्ड। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ना पड़ता है आपको। तो ग्रीनफील्ड एक हो गया और एक होता है ब्राउनफील्ड, तो दोनों के बारे में बता रहा हूं मैं कि ग्रीनफील्ड आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं और इसी का जो जस्ट अपोजिट दैट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड। सो ग्रीनफील्ड हाईवेज वुड कंप्लीट बाय मार्च 2025। ए कंबाइंड लेंथ ऑफ दीज एक्सप्रेसवेज इज क्लोज टू 7800 किलोमीटर एंड वुड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 3.3 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब ये जो आप लोग बता रहे हैं ग्रीनफील्ड और ये ब्राउनफील्ड, ये दो हैं, ये जान लीजिए कि ब्राउनफील्ड वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है ना, यानी कि सड़कें हो गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पुल हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अपग्रेडेशन का काम होता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उसी में अगर हम उसको डेवलपमेंट का काम करें, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें, अपग्रेड करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड, ठीक है। और जो ग्रीनफील्ड होता है ना, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ये क्या होता है, न्यू प्रोडक्शंस होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, बीइंग फैसिलिटेटेड। और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है डेवलप्ड ऑन अ कंप्लीटली वैकेंट साइट, यानी पूरा खाली जमीन होता है, इसलिए तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ आर्किटेक्ट्स क्या करेंगे, जो काम शुरू करेंगे वो शुरू से करेंगे, राइट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आपका ग्रीनफील्ड, यानी कि ग्रीनफील्ड का है एकदम बिल्कुल नया होगा, इसके लिए कोई डेमोलिशन का काम नहीं किया जाएगा। जबकि ब्राउनफील्ड होता है वो एग्जिस्टिंग होता है और इसमें मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन का काम। चलिए आ जाइए, ठीक है, आ गया थोड़ा सा। सो हम लोग स्टार्ट करें, 10th है हमारे पास, लास्ट वन है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं। $100 एंड अ न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट टू $400 मिलियन, ठीक है। सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो ये लास्ट था, भारत ने चीन को कंटेन करने के लिए मालदीव्स में मालदीव परियोजना के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की, जिसमें 100 मिलियन अनुदान के रूप में और 400 मिलियन क्रेडिट की एक नई लाइन होगी। तो ये आज का था क्लास, आज हम लोग यहीं रखते हैं, बफरिंग भी हो रही है। सो मिलते हैं अभी हम लोग फिर कितने बजे, 12:30 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंजॉय योर डे।